मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए हमारे चार भाई हैं जो, और यहाँ सब भाग रहे हैं शायद ये लग गई है इसकी वजह से चल नहीं पा रही है। एक तो जंगली जानवर है और ऊपर से घायल है। अभी जंगलात की टीम आ रही है, जंगलात को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया है। देखिए फिलहाल यहाँ पर जो है जंगलात की टीम यहाँ पर पहुँच गई है। सारे जितने आपको यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं जंगलात से हैं, फॉरेस्ट से हैं, और अब इसको जो है यहाँ पर फिलहाल रेस्क्यू किया जाए और गाड़ी में इसको डालकर रेस्क्यू सेंटर लेके जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे साथ आ गए हैं पांडे जी। पांडे जी से पूछते हैं, सर नमस्कार, क्या किया जाएगा इसका, नील गाय को कैसे रेस्क्यू करेंगे? देखिए इसके लिए हमने अपने विभाग से एक खुली कैंपर है, कैंपर मंगा रखी है, अन्य स्टाफ भी आएगा। उसके लिए एक जाल होता है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। रेस्क्यू करने के लिए वो हाँ। जाल के थ्रू इसको हम, क्योंकि बिना जाल के ये किसी को मार पीट सकता है या हाँ 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 सकता है, हाँ हाँ हाँ। जाल में इसको बंद करके इसको हम कैंपर में रख के सीधे रानीबाग रेस्क्यू सेंटर है हमारा, हाँ जी, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक, और ट्रीटमेंट मतलब स्वस्थ होने के बाद इसको वापस होने के बाद हम जंगल में छोड़ देंगे। यहाँ इसके जो वास स्थल है, मूल वास स्थल है, वहाँ छोड़ देंगे इसको हम। ठीक ठीक। अच्छा पांडे जी, जो प्रथम दृष्टि से आपको क्या लग रहा है, पांव में इसकी दिक्कत हो सकती है या ये थक गया है? इसमें ऐसा भी होता है कि कभी कभी जानवर हो सकता है इसको इतना जर्नी करने में कहीं पांव में चोट आ गई हो। हाँ जी, हाँ जी, ये भी हो सकता है। हाँ, और कभी फिर ये जंगली जानवर होते हैं, अनेक लोगों को देखने के बाद ये होपलेस हो जाते हैं, तो वैसे भी ये नर्वस जैसे हो जाते हैं। वहाँ रानीबाग जाने के बाद इसका ट्रीटमेंट होने से पता चल जाएगा इसको क्या दिक्कत है। ठीक। अच्छा एक चीज ये बता दीजिए, जैसे नॉर्मल जानकारी के लिए ना, ये जैसे जानवर है तो जैसे ये कभी दिखाई जाए कुछ नहीं, इसको हाका देके जंगल को भागा दिया जाए, मतलब ये इसी तरीके से भाग जाएगा, मतलब ऐसे डरने की और वो करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भागने वाला जानवर हो, ये किसी के ऊपर ऐसा आतंक नहीं करता है। हाँ देखिए, अभी ये थोड़ा सा मतलब अपने आपको रिलैक्स महसूस कर रहा है, इसके नजदीक कम से कम जाना है, बना के रखने में फायदा होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक, पांडे जी देख रहे हैं कैसे क्या हालत है, थोड़ी ताकत जैसी आ गई है, तो अब जाके जो नील गाय है वो अपना थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश कर रही है। और हमारे बड़े ही अनुभव देव सिंह जी, इनको आपने सांप वाले वीडियो में भी देखा है हमारे, ये आ गए हैं और ये क्षेत्र में वो यही संभालते हैं इसको। अब गाड़ी में बुला रखी है। हाँ, फिर गाड़ी में लाद के ले जाएंगे, गाड़ी में लाद के ले जाएंगे। अभी मतलब ये हालत में, ठीक हालत में है ना फिलहाल? तो हाँ ठीक है, अभी तो हाथ पाँव चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं। हाँ हाँ। देखिए फाइनली यहाँ पर जो फॉरेस्ट की टीम है और फॉरेस्ट का कैंपर है, यानी कि जो इसको रेस्क्यू करके ले जाएंगे, ये गाड़ी भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गई है और इनको इन्फॉर्म कर दिया था टाइम से, तो यहाँ पर आ गए हैं। और जो ये प्लॉट के मालिक थे अग्रवाल साहब, अग्रवाल जी को भी हमने फ़ोन करके उनसे इसकी परमिशन ले ली थी, उन्होंने एक लड़का भेज के गेट वेट खुलवा दिया है। और यहाँ पर सभी लोग जो है देखिए सहायता कर रहे हैं रेस्क्यू में, और ये जाल लेके आई है टीम, ये जाल में इसको बांध के इसको रख के इस तरीके से इसका रेस्क्यू किया जाएगा। ये देखिए इस तरीके से जाल इसके ऊपर डाल के इस पर लपेटा जाता है ताकि जो जानवर है उसको भी दिक्कत ना हो और जो जंगली जानवर है उससे जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको भी नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए इस तरीके से इसका रेस्क्यू किया जाता है। देखिए ऐसे करके, देखिए सभी लोग लग के जो जंगली जानवर है उसको रेस्क्यू कर रहे हैं। ऐसे उठाओ, आप ऐसे सब लगाओ, चढ़ना पड़ेगा, वहीं जाके बांधेंगे ना भाई जी, गाड़ी पीछे ले आओ, देखिए यहाँ पर पांडे जी हैं और बाकी लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं किस तरीके से, देखिए जाल को इस तरीके से सेफ्टी से बांध देते हैं और फिर इसको ऐसे सब लोग उठाकर वो सामने जो गाड़ी है हमारे कैंपर
इस गाड़ी में यहाँ पर इसको डाल के रेस्क्यू सेंटर में लेके जाएंगे, और रेस्क्यू सेंटर में लेके जाने के बाद इसका प्रॉपर इलाज होगा और इसको स्वस्थ करके वापस इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो फाइनली पांडे जी इसको मतलब रेस्क्यू करके अभी लेके जाके जा रहे हैं। लेटर बनवा दिया हमने रेंज ऑफिस से। हाँ जी, वहाँ से लेटर जाता है ना, वहाँ इसलिए लेते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, बस वहाँ से हम लेटर एक आदमी हमारे लेटर काठोदाम ले गया, सीधे हम इसको जितनी जल्दी हो सके सीधे काठोदाम बाहर आने बाद रेस्क्यू सेंटर ले जाएंगे, हमारे लेटर बन के वहाँ से पहुँच रहा है। ठीक ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, धन्यवाद। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रही है ये है नील गाय, जिसने इसे करीब से नहीं देखा है वो प्लीज़ आप देख लीजिए, ये आपके स्क्रीन पर है नील गाय, और ये नील गाय जो है अभी घायल अवस्था में है और इसको चोट लग गई है। ठीक है, से ये रात को यहाँ पर आ गया है, और रात को आने के बाद ये देखिए इस तरीके की यहाँ पर पूरी तरफ चार दीवारी हैं, फॉरेस्ट वाले रेस्क्यू वाले इसको रेस्क्यू करके इसको अपने साथ ले जाएंगे। देखिए ये जो नील गाय है ये बड़ी मुश्किल में है, अभी तकलीफ में है, क्योंकि हुआ ये होगा कि ये आई होगी उधर से और फिर ये निकल नहीं पाई होगी, क्यों चचा ऐसे ही लग रहा ना। ये आई होगी और निकल नहीं पाई होगी, और ये जो लोहे के एंगल वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इनसे बार बार इसने टक्कर खाई होगी, और टक्कर खाने के बाद जो है ये थक हार के यहाँ पर अभी लेटी है। फिलहाल फॉरेस्ट की जो टीमें हैं फॉरेस्ट को बोल दिया और इसका जो नील गाय है इसको रेस्क्यू किया जाएगा। देखिए तकलीफ में है ये, रात भर इसने अपनी कोशिश की होगी तो इसी की वजह से जो है ये थोड़ा तकलीफ में है, और इस तरीके से ये आवाज़ करती है। देखिए जो नील गाय है इसका शिकार बहुत होने लग गया था पुराने समय में, तो लोग इसको अननेसेसरी अपने फायदे के लिए मारने लग गए थे, तो युक्ति लगाकर इसका नाम जो है बदल दिया गया और इसका नाम जो है नील गाय कर दिया गया, और तब से इसके शिकार में रोक लग गई और इस जीव का जो है संरक्षण किया जा सका, वरना ये जीव जो है विलुप्ति की कगार पर एक टाइम पर पहुंच गया था। फाइनली जो है यहाँ पर से नील गाय को रेस्क्यू करके यहाँ से लेके गए हैं, और यहाँ पर ये है हमारे गांव के छोटे भाई लोग हैं, और ये यहीं पर देखिए यहाँ पर ये लोग खेलते हैं, इसी जगह पे ये नील गाय आई थी, तो एक कौतूहल का विषय बना हुआ था नील गाय देखना और रेस्क्यू कैसा होता है, तो सभी लोगों ने यहाँ पर रेस्क्यू करके देखा और किस तरीके से रेस्क्यू करके जंगलात की टीम लेके जाती है, इन सब ने देखा। और ये मैं बताऊँ आपको, ये मेरे प्रथम जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट लाइन के मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, तो इन्हीं की वजह से और आप सब लोग जो ये चैनल देख रहे हैं उनकी वजह से ये चैनल मोनेटाइज हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो पूछता है इनसे कैसा लगा आप लोगों को, मतलब ये रेस्क्यू आपने पहली बार देखा सभी लोगों ने, तो ठीक लगा, मतलब इनका रेस्क्यू करने का तरीका सब ठीक ठाक था? हाँ, मतलब कि जानवर को बिना चोट पहुंचाए। ये जंगलात को ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशली, और इसी के लिए वो माहिर होते हैं, तो कभी भी कोई जंगली जानवर आपके इर्द गिर्द आए, ये जंगलात में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको इन्फॉर्म कीजिए और वो आपको उस जानवर को रेस्क्यू करके ले जाएंगे। रखिए अपना खास ख्याल, हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।